प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की एवं प्रतिदिन के बाइबल पाठ में आपका स्वागत है। पहला पाठ संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय एक वचन संख्याएं 10 से 16 तक। आत्माओं की मुक्ति नबियों के चिंतन तथा अनुसंधान का विषय था। उन्होंने आप लोगों को मिलने वाली अनुग्रह की भविष्यवाणी की है। मसीह का आत्मा उनमें विद्यमान था और मसीह के दुख भोग तथा इसके बाद आने वाली महिमा की भविष्यवाणी करता था। नबी यह जानना चाहते थे कि आत्मा किस समय और किन परिस्थितियों की ओर संकेत कर रहा है। उन पर प्रकट किया गया था कि जो संदेश सुनाते थे वह उनके लिए नहीं बल्कि आप लोगों के लिए था। अब सुसमाचार के प्रचारक स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों को वही संदेश सुनाते थे। स्वर्गदूत भी इन बातों की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं। इसलिए आप लोग सतर्क और संयमी बने रहें और उस अनुग्रह पर पूरा भरोसा रखें जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आपको प्राप्त होगा। आप आज्ञाकारी संतान बनकर अपनी वासनाओं के अनुसार आचरण नहीं करें जैसा कि पहले किया करते थे जब आप लोगों को ज्ञान नहीं मिला था। जिसने आपको बुलाया है वह पवित्र है, आप भी उसके सादृश अपने समस्त आचरण में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्याएं 28 से 31 तक से लिया गया है। वचन कहता है, पेत्रुस ने यीशु से कहा, देखिए हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो और जो अब इस लोक में 100 गुना ना पाए। घर, भाई बहने, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में अनंत जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पीछे हो जाएंगे और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्ते तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, बलिदान हमारे जीवन के प्रतीक हैं। बलिदान का मूल्य या गुणवत्ता हमारे आचरण पर निर्भर करता है। या तो हम कैन हो सकते हैं या हाबिल। हम बलि या दान के रूप में क्या दे सकते हैं उसका उतना महत्व नहीं जितना कि हम किस उद्देश्य से देते हैं। सदाचरण ही शांति का बलिदान, अन्न बलि, धन्यवाद का बलिदान, प्रायश्चित का बलिदान आदि सभी प्रकार के बलिदानों की आत्मा है। जो दान खुशी से और उदारता पूर्वक दिया जाता है वह ईश्वर को ग्रहण है और ईश्वर देने वाले पर कई गुना आशीर्वाद बरसाता है। क्रूस पर यीशु के शिष्य को आत्म त्याग कर रास्ता नापना है और जो सब कुछ त्याग देता है उसे इस दुनिया में 100 गुना पुरस्कार प्राप्त होगा। खुशी की बात है कि एक छोटे परिवार को त्यागने के बदले में उसे एक विशाल परिवार प्राप्त होगा। वह जहाँ कहीं जाए लोग उसे अपने भाई या बहन, पुत्र या पुत्री के रूप में ग्रहण करेंगे। इसके अलावा एक शिष्य को यीशु के दुख भोग का भी सहभागी होना पड़ेगा क्योंकि इसी के द्वारा वह प्रभु की महिमा का सहभागी होगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, इस दुनिया में हर इंसान अपने त्याग का फल पाना चाहता है। यहाँ प्रभु यीशु ने पेत्रुस से 100 गुना फल या पुरस्कार की बात मात्र के आधार पर नहीं लेकिन जीवन की गुणवत्ता में परिवर्तन के अनुसार की है। निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है। जो व्यक्ति इन चीजों को त्यागता है वह सचमुच स्वतंत्र व्यक्ति है। चीजों को त्यागने से हम सचमुच प्रभु से जुड़े रहते हैं। आज का सुसमाचार हमारे सामने एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन जीने की चुनौती रखता है।
एक सच्चा ख्रिस्ती जीवन जीना मतलब सुसमाचार का प्रचार करना है। आज के इस आधुनिक युग में सच्चाई के मार्ग पर चलना उतना ही कठिन है जितना सहज यह दिखाई देता है। सच्चाई का मार्ग सहज नहीं है। हम बहुत सारे दुख तकलीफ को झेलते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत में हमें जरूर सफलता मिलती है। अतः आज हमारे लिए सवाल है कि क्या हम सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं? ईश्वर से प्रार्थना करें कि स्वर्गीय पूंजी जमा करने में वह हमारी मदद करे। हमारे सभी कार्यकलाप, आचार विचार, रहन सहन और जीवन सदैव उदार, निर्मल तथा स्वच्छ हो। हमारी विनती प्रार्थना भक्ति पूजा पाठ एवं जीवन की पवित्रता एवं अनंत जीवन की ओर ले चले। ईश्वर को प्रथम स्थान देना हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। आमीन।